नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कांदेले, कांदेले होम डिजाइंस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे, हमने चार भाइयों के हिसाब से घर का नक्शा डिजाइन किया था। एक ही जगह पर हमने जॉइंट फैमिली के लिए, चार भाइयों के लिए नक्शा बनाया था, जो कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको कुछ डिटेल्स बताना चाहेंगे। ये जो प्लॉट था, ये ईस्ट फेसिंग था, पूर्वमुखी प्लॉट था दोस्तों, और हमें सिर्फ सामने की तरफ से ही रोड मिलता है। बाकी जो तीनों जगह थी दोस्तों प्लॉट की, वो क्लोज थी, पैक थी। तो चलिए दोस्तों, आपको प्लान एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मेन रोड की तरफ से हम अंदर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्किंग पोर्च, यहाँ पर हमने डिजाइन किया था, पार्किंग एरिया हमने प्रोवाइड किया था, और यहाँ पर आंगन भी हमने प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पर हमने किया था दोस्तों 21 फीट बाय 14 फीट का। अब जैसे ही पार्किंग एरिया की तरफ से अंदर चलते हैं, यहाँ पर दो तीन स्टेप चढ़कर जैसे हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने बरामदा प्रोवाइड किया है दोस्तों, जो कि यहाँ पर हमने किया था 5 फीट बाय 5 फीट का। अब बरामदे की तरफ से जैसे ही हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने लिविंग रूम प्लस डाइनिंग रूम यहाँ पर प्रोवाइड किया है दोस्तों, जो कि यहाँ पर हमने किया था 21 फीट 10 इंच बाय 18 फीट 2 इंच का। देख सकते हैं दोस्तों, सफिशियंट यहाँ पर हमें स्पेस देखने को मिल जाता है लिविंग रूम और डाइनिंग रूम के लिए। अब जैसे बैक साइड में आते हैं दोस्तों लिविंग रूम से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने स्टोर रूम प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ पर हमने किया था दोस्तों 8 फीट बाय 8 फीट 5 इंच का। दोस्तों सेंटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने स्टेयरकेस प्रोवाइड की थी, सीढ़ियां हमने प्रोवाइड की थी टेरेस पर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। तो दोस्तों अगर एक प्लान की बात करें, तो कंप्लीट प्लान यहाँ पर हमने वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया है। तो दोस्तों जो हमने सीढ़ियां प्रोवाइड की है, उसकी एक तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने पूजा रूम प्रोवाइड किया है, पूजा घर यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ पर हमने किया था दोस्तों 5 फीट 5 इंच बाय 11 फीट का। और दोस्तों पूजा रूम के एक तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने एक बेडरूम प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ पर हमने किया था दोस्तों 13 फीट बाय 11 फीट का। अब सामने की तरफ से आते हैं दोस्तों, तो सेंटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण दिशा में यहाँ पर हमने किचन प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ पर हमने किया था दोस्तों 9 फीट बाय 14 फीट 3 इंच का। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन हमने डिजाइन किया था दोस्तों, और किचन की तरफ से यहाँ पर हमने एक डोर प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पर हमें लेकर चलता है दोस्तों यूटिलिटी एरिया में, यूटिलिटी एरिया वॉश एरिया यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया था किचन की तरफ से, जो कि यहाँ पर हमने किया था दोस्तों 4 फीट बाय 14 फीट का। अब किचन की तरफ से लिविंग रूम में आते हैं दोस्तों, और चलते हैं फ्रंट साइड में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने और एक बेडरूम प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ पर हमने मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया था दोस्तों, जो यहाँ पर हमने किया है 13 फीट बाय 13 फीट 3 इंच का। और उसके साथ दोस्तों ये मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पर हमने टॉयलेट बाथरूम कम्बाइन प्रोवाइड किया था, अटैच्ड हमने प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पर हमने किया था दोस्तों 8 फीट बाय 4 फीट का। तो यहाँ पर एक हमने मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया था। अब वापस लिविंग रूम की तरफ से नॉर्थ साइड में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने और एक बेडरूम प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ पर मास्टर बेडरूम हमने प्रोवाइड किया था दोस्तों, जो यहाँ पर हमने किया था 13 फीट बाय 16 फीट का। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम हमने कंबाइन प्रोवाइड किया था, अटैच्ड हमने प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पर हमने किया था दोस्तों 8 फीट बाय 4 फीट 11 इंच का। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे, उनके लिए हमने कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर डिजाइन किया था, जो कि यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट यहाँ पर प्रोवाइड किया था दोस्तों 4 फीट बाय 4 फीट का, और कॉमन बाथ यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया था 8 फीट बाय 4 फीट का। वहां पर जाने के लिए दोस्तों हमने पैसेज प्रोवाइड किया था, जो कि यहाँ पर हमने किया था 4 फीट बाय 8 फीट का। अब अगर फ्रंट साइड की बात करें दोस्तों, तो फ्रंट साइड में और एक हमने बेडरूम प्रोवाइड किया है, जो कि सिंपल बेडरूम रहेगा दोस्तों ये, जिसका यहाँ पर हमने साइज प्रोवाइड किया था 13 फीट बाय 13 फीट 3 इंच का। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे चार हमने कमरे यहाँ पर डिजाइन किए थे, 4 BHK हाउस प्लान हमने डिजाइन किया था दोस्तों, चार भाइयों के जॉइंट फैमिली के लिए हमने ये प्लान डिजाइन किया था। आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये प्लॉट साइज था दोस्तों 50 फीट बाय 45 फीट का। टोटल अगर हम एरिया की बात करें, 2250 स्क्वायर फीट का यहाँ पर टोटल एरिया हमें मिलता है। इसके अंदर हमने 4 BHK हाउस प्लान डिजाइन किया था, चार भाइयों के लिए हमने घर का नक्शा बनाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो इसी वीडियो से रिलेटेड आपको 3 से 4 वीडियोज अभी आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, वो वीडियोज पर क्लिक कीजिए और वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी आपके घर के लिए नक्शा डिजाइन बनवाना हो, तो आपकी स्क्रीन पर दो नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी डिटेल्स। हम आपको भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार नक्शा या डिजाइन प्रोवाइड कर देंगे, तो जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसी बेहतरीन वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अगर पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका प्लॉट साइज क्या है। अगर आपका कमेंट सिलेक्ट होता है दोस्तों, तो आपको अगली वीडियो में आपके आपके प्लॉट साइज के अनुसार नक्शा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।